Big Business Ideas. ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा. कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा. और वैसे भी जब हम अपनी जिम्मेदारी लेकर कोई काम करते हैं तो ना सिर्फ हमारा व्यवसाय बढ़ता है बल्कि हमारा देश भी प्रगति की राह पर अग्रसर होता है. उसी राह पर एक बार फिर से शिल्पा भावना आ गई है लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग. जिस तरह से घर चलाने के लिए घर का बजट बनाना जरूरी है, उसी तरह देश को चलाने के लिए देश का बजट भी बनाना जरूरी है. और हमारे देश का बजट बनाने में जो लोग सम्मिलित होते हैं वो बजट बनने से पहले कई दिनों तक बाहरी दुनिया के बिल्कुल संपर्क में नहीं होते. और जब बजट का ये दस्तावेज तैयार हो जाता है तो हमारे देश के माननीय वित्त मंत्री इसे लेकर पहुंचते हैं संसद में, जहां से इसे पूरे देश की नज़र किया जाता है. लेकिन आखिर क्या है ये बजट और इस बार का बजट कैसे हमारे जीवन और हमारे व्यवसाय को प्रभावित कर सकता है, ये बताने के लिए हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं द ओदर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलेंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट, मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका. धन्यवाद. आज आपके लिए स्पेशल सीट है, प्लीज. श्योर. सर, हम सभी लोग जानते हैं बजट का मौसम चल रहा है. बजट 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 बजट, आखिर क्या है ये बजट? बजट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जी, जिससे कि हम ये तय करते हैं कि अगला साल जो है ये पूरे साल में देश में किन किन मुद्दों को हमने छूना है, देश को आगे ले जाने के लिए कहाँ से हम टैक्स लें, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करें और कहाँ खर्चा करें. किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए एक दिशा देता है कोई भी बजट, क्योंकि इसी से डिसाइड होता है, इस बजट से डिसाइड होता है कि किस मद में कितना खर्च होगा. तो जो हमारे एक हायरार्की का जो सबसे कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, सबसे निचले तबके का, क्या वो भी इससे इफेक्ट होता है? 100% इफेक्ट होता है. इनफैक्ट तो बजट उसी के लिए बनना चाहिए कि हम उस आदमी को कैसे मेन स्ट्रीम में लाएं, कैसे उस आदमी को सशक्त बनाएं जी, जिससे कि अगर वो एग्रीकल्चर में है, खेती कर रहा है, तो कैसे नए नए तरीकों से वो खेती करके उसकी आमदनी कैसे बढ़े जी, और देश की आमदनी कैसे बढ़े, या कोई मजदूर है तो उसे काम कहाँ मिले जी, यदि कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है यूथ हमारा, उसे कैसे ट्रेनिंग मिले, चाहे स्किल ट्रेनिंग हो चाहे ट्रेडिशनल एजुकेशन हो, तो ये सब कुछ बजट तय करता है. हमारे देश को आज़ादी मिले हुए 69 साल हो गए, तो पिछले 69 सालों से लगातार ये बजट बनता आ रहा है. लेकिन फिर भी आज 69 सालों के बाद भी हम विकासशील देशों में हैं, हम विकसित नहीं हैं, क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसके लिए एक बार बजट को अच्छी तरह समझते हैं कि बजट जैसे कि हम देखते हैं परिवार का बजट होता है. आप अपने घर में बजट बनाती होंगी जी. तो आप क्या करती हैं, मान लीजिए आप देखती हैं कि मैं पूरे साल में या महीने में मेरी अर्निंग मान लीजिए 1 लाख रुपए है जी, तो आप 1 लाख के हिसाब से बजट बनाती हैं कि 1 लाख में से मैं, मतलब जितनी आमदनी होती है उसके हिसाब से हम खर्चा डिसाइड करते हैं. हाँ. और लेकिन जो यूनियन बजट होता है, देश का बजट, वो इससे बिल्कुल रिवर्स होता है. अच्छा, पहले खर्चे डिसाइड होते हैं, पहले खर्चे डिसाइड होते हैं, फिर हम देखते हैं कि इन खर्चों को तो करना ही है, उस खर्चों को पूरा कैसे किया जाए, कहाँ टैक्स लगाया जाए, कौन सा डायरेक्ट टैक्स लगाया जाए, कहाँ इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाए जी, और कौन सी हमारी और चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम सेल करके पैसा प्रोक्योर करें, मतलब क्या क्या साधन करें जिससे कि वो पैसे पे हम पहुँचें. बिल्कुल. और यदि जितने का खर्चा हमने तय किया उतना रिवेन्यू नहीं कलेक्ट कर पाते, उसको हम बोल देते हैं राजकोषीय घाटा जी, वित्तीय घाटा जिसे आप सुनते होंगे, फिजिकल डेफिसिट. बिल्कुल. अगर देखें इस बार का बजट हम, तो 19.78 लाख करोड़ रुपए हमें खर्च करने, बहुत अलग अलग मदों में, कि हम एजुकेशन में इतना करेंगे, हेल्थ में इतना करेंगे, किसानों के लिए ये काम करेंगे. तो अब इस पूरे पैसे को इकट्ठा करना है टैक्सेस से, यदि इसमें कुछ कम रह जाता है पैसा, उसको पूरा करने के लिए हमें लोन लेना पड़ता है. लोन विदेशों से लेना पड़ता है या रिजर्व बैंक से या विदेशों से लोन लेना पड़ता है. उस लोन का हर बार ब्याज देना पड़ता है. तो अगले बजट में जब हम आते हैं तो हम जितना खर्च निकालते हैं उसमें एक खर्चा और ऐड हो जाता है ब्याज का. बिल्कुल. तो वो और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है वो अगली बार फिर. तो ये हमारे देश की कोशिश है. हाँ. ये कभी 6% तक होता था, 5-6% तक. हाँ. इस बार के बजट में
इसे घटा के 3.5% ऑफ जीडीपी कर दिया गया है, तक कंट्रोल करने की कोशिश है। तो धीरे धीरे ये कम होगा और ये कोशिश है कि ये और कम हो। जी, आज क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं बजट की, और बजट की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके से बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। तो हमने आज कुछ गेस्ट एक्सपर्ट को भी बुलाया है जो कि हमसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के जो बजट में प्रावधान आए उसके बारे में बात करेंगे, तो उन्हें बुला लिया जाए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आज हमारे जो दो मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं वो हमें बताएंगे कि इस बजट में डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस को कहाँ और कैसे स्थान दिया गया है। प्लीज वेलकम द सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिस राजरानी लाकरा एंड मिस्टर कमल अग्रवाल। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, प्लीज हैव अ सीट। आप सभी लोग वाकिफ हैं कि कितना ज़्यादा बजट में फेरबदल हुआ है, कैसे उसमें कुछ अच्छाई है, क्या विशेषता है, या क्या कुछ ऐसा है जो और किया जा सकता है, इसी चीज़ का मंथन करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो शुरुआत रानी जी मैं आप ही से करना चाहूँगी कि क्योंकि जब हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं सीधे सीधे लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला ये टैक्स होता है बजट में जो आता है, इस बार के बजट में क्या विशेषता है डायरेक्ट टैक्स के लिहाज से? इस बजट में काफ़ी कुछ किया गया टैक्स पेयर्स के लिए। एक तो जो टैक्स पेयर्स की ग्रीवेंसेस थी उनको काफ़ी हद तक रिमूव किया गया है, और काफ़ी सारे प्रोविजंस को रैशनलाइज किया गया है। प्लस जो हमारे स्टार्टअप्स का, जैसे अभी चल रहा है हमारा स्विंग मार्केट में, तो स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए भी काफ़ी सारे प्रपोजल्स हैं। प्लस जो हमारे पीएम का ड्रीम है हाउसिंग फॉर ऑल, उसको प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए हैं। ओके, तो दैट मीन्स बहुत कुछ खास है इस बजट में डायरेक्ट टैक्सेस के लिहाज से। कमल जी, जब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, आपकी महारत है, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिहाज से इस बजट में क्या कुछ खास है? इस बजट में जो सबसे खास बात मैं समझता हूँ वो ये है कि सारे बजट का फोकस है कि मैन्युफैक्चरिंग पूरे देश में खासतौर पर बढ़ाई जाए। इसके अलावा जो हमारे लोग हैं, खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में, उनकी स्किल डेवलपमेंट के बारे में ध्यान दिया गया है जी। और जो रानी जी ने कहा है डायरेक्ट टैक्स में हाउसिंग फॉर ऑल, उसको इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ भी उसके तरफ खास ध्यान रखा गया है। ओके, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका इस बार बजट में समावेश किया गया है जिसके बारे में पहले शायद कभी नहीं सोचा गया था। तो आपको लगता है कि इस बार का बजट बहुत महत्वपूर्ण रहा है? बहुत महत्वपूर्ण है। किस वजह से है कि देखिए, जब भी हम बजट की चर्चा करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, हम देखते हैं टैक्स अलाउ कम हुआ कि नहीं हुआ, ढाई लाख था पौने तीन लाख क्यों नहीं हुआ, तीन क्यों हो गया। लेकिन बजट का ये मतलब नहीं है। बजट का मतलब है कि देश में 128 करोड़ लोग हैं जी, टैक्स पेयर कितने हैं, 4 करोड़ लोग। तो हम सिर्फ उन 4 करोड़ लोगों की बात करते आए हैं आज तक। यस, हमें टैक्स को ऐसे देखना चाहिए कि 128 करोड़ लोगों का जीवन बदलने के लिए जी, सभी को घर, सभी को बिजली, गाँव तक पहुंचने के लिए सड़क, बिल्कुल उनके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, और जो हमारे एग्रीकल्चर में लोग लगे हुए हैं जो खेती कर रहे खेती कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ हो। वो लोग हमारे देश की टोटल जमीन का लगभग 54-55% कृषि भूमि ऐसी है जो डिपेंड करती है मानसून पे। पिछले 2 साल से लगभग 13% मानसून कम हो रही है, एंड इट इज ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड। तो सबसे पहला एम होना चाहिए इस सब के बाद इरिगेशन, पूरे देश में जितनी कृषि योग्य भूमि है उन सबका इरिगेशन हो जी, उन सिंचाई की सुविधा बकायदा पहुंचनी चाहिए, हो जिससे कि वो सिंचाई कर सके। बिल्कुल, उन लोगों को कर्जा मिले जिससे कि वो महाजन के चक्कर में ना पड़े। अभी किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कृषि के लिए वो लोन लेते हैं, महाजन से लेते हैं या कहीं और से लेते हैं, मानसून हुआ नहीं जी, कृषि में कुछ हुआ नहीं, लोन देना है वापस जी, उसके लिए बीमा हो उनका, बहुत कम पैसे में बीमा हो, जिससे फसल ना हो तो भी उनको पैसा मिले, तो भी पैसा मिले, तो एक सिक्योरिटी बनी रहेगी उससे, सिक्योरिटी। तो बजट का मतलब है कि इन सब लोगों का ध्यान रखना है जी। इन सब लोगों का जीवन चेंज करने के लिए जितना पैसा चाहिए वो टैक्स के माध्यम से लाना है। बिल्कुल, और टैक्स के माध्यम से लाने के लिए हमारे देश में कुल 4 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं, मतलब 2-3% लोग, जबकि लोगों की टैक्सेबल इनकम बहुत ज्यादा है। तो डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं काम करना चाहिए कि नए टैक्स पेयर ऐड किए जाएं। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म और सुधारने की जरूरत है, और सुधारने की जरूरत है। लेकिन इस बार पहली बार बजट में इन सब चीजों का प्रावधान किया गया है। पहली बार हमने सोचा है कि 2018 तक सभी गांवों को बिजली देंगे। पहली बार हमने सोचा है कि अब हम 100 किलोमीटर की रोज सड़क बनाएंगे।
तो कुछ सालों में सभी गांवों में सड़क होगी, 2018 तक सभी विलेजेस में बिजली होगी, और साथ में हमने किसानों के लिए पहली बार इस बजट में प्रोविजन किए गए हैं जिसमें हमने ये रखा है कि उनके फसल का बीमा होगा जो कि बहुत कम पैसे में होगा, और साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि और 20% जमीन अगले एक साल में सिंचाई के लिए, सिंचाई की सारी फैसिलिटी उसमें भी दी जाएगी जी। तो पहली बार ये बजट में कुछ इनोवेशन किया कुछ गया है, इनोवेशन और जो आम आदमी है, मतलब 128 करोड़ लोगों को एक साथ लेके चलने की बात हुई है, बिल्कुल सबका साथ सबका विकास जी जो नारा था वो पहली बार इस बजट पे दिखता है जी, वो साकार होता हुआ नजर आता है। तो ये इस बजट की विशेषता है। ये जो अभी आपने बात की विलेज सेक्टर को डेवलप करने की, हमारे जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है अरुण जेटली साहब, उन्होंने इसके बारे में जो कहा है वो देखना चाहेंगे। वी आर इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एज नेवर बिफोर। द स्कीम हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ अंडर फंडिंग। The allocation in 2012-13 and 13-14 was only 8,885 and ₹9,805 crores respectively. We have substantially increased the allocation in the last 2 years, which will now be allocated ₹19,000 crores in 16-17. As on 23rd February 2016, 5,542 villages have been electrified. I think the power minister and the ministry deserves to be congratulated for this. This is more than the total combined achievement of the previous 3 years. The government is committed to achieve 100% village electrification by 1st May 2018. ₹8,500 crores has been provided for the Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana and Integrated Power Development Scheme. तो ये सुन के लगता है कि इस बार बिजली और सड़कें गांव तक जरूर पहुंचेंगी। जरूर, जैसे अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा 19,000 करोड़ केंद्र का बजट है, यदि स्टेट का बजट मिला लिया जाए तो 27,000 करोड़ हो जाता है सड़क के लिए। तो एक बहुत बड़ी राशि है। कमल जी, आपको क्या लगता है कि ये जो मेक इन इंडिया का जो एक ये सपना है, ये साकार होता हुआ आप देखते हैं कि जो एक शुरुआत हुई वो अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्लियरली देख सकता हूं इसको, क्योंकि जो एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी हमारे देश में लगती है, उसमें कस्टम ड्यूटी और इनको इस तरह से रैशनलाइज किया गया है कि हमारे जो कंपोनेंट्स रॉ मटेरियल है उसके ऊपर ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है, जो फिनिश प्रोडक्ट है उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी गई है। तो सरकार ने कहा कि आप कच्चा माल हिंदुस्तान में लाएं, यहाँ मैन्युफैक्चर करें और यहाँ पर बना के उसको देश में भी बेचें और बाहर भी बेचें। बिल्कुल, तो इससे रोजगार भी कितने लोगों को, इससे रोजगार बहुत बढ़ेगा। एक तरफ तो हमारे देश में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है और एक तरफ इंडस्ट्री को स्किल मैन पावर, स्किल ट्रेंड पीपल नहीं मिलते, तो उसके साथ ही बहुत सारी ऐसी स्कीम चलाई गई है जहां पर इंडस्ट्री को जो स्किल सेट चाहिए उन स्किल सेट को गांव गांव में जाके उनको डेवलप किया जाए, लेके आया जाए। ऐसा बहुत बार हुआ है सर, हमने अपने बिग बिजनेस आइडियाज के काफी सारे एपिसोड्स में हमने देखा कि लोगों की ये शिकायत थी कि हमें स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिलते हैं। बिल्कुल शिकायत है। जी, तो ये शिकायत अब कहीं खत्म हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। रानी जी, डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, इसमें अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि बहुत सारी चीजें जो इस बजट में आई है उसकी वजह से सिंप्लीफिकेशन काफी हो गया है, क्या क्या चीजें हैं जो आसान हो गई हैं, जो सीधा सीधा हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं? सिंप्लीफिकेशन में बेसिकली जो हमारे छोटे टैक्स पेयर हैं उनकी मतलब प्रोसीजर्स काफी सिंप्लीफाई कर दिए हैं। अगर हम बात करें बिजनेसमैन की, जो छोटे बिजनेसमैन हैं जिनकी टर्नओवर सिर्फ 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए, तो उनको एमएसएमई सेक्टर में आते हैं, तो उनको कोई टैक्स ऑडिट नहीं कराना, उनको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने। अगर सपोज उनकी इनकम, मतलब प्रपोज किया गया कि अगर सपोज उनकी इनकम जो टर्नओवर है पूरे साल की अगर वो सिर्फ 2 करोड़ तक है, उनको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने, कोई टैक्स ऑडिट नहीं कराना, सिर्फ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बेसिस पे, मतलब 1% होगा, लाइट 1% जी, तो जितना उनका टर्नओवर होगा उसका 8% उनको टैक्स जमा करना होगा। ओके, तो इस तरह से वो पूरी तरह से उस काम पे फोकस कर सकते हैं जिसके लिए वो इंडस्ट्री में आ गया है। या इसी तरह एडवांस टैक्स में यूनिफॉर्मिटी आ गई है। पहले होता था कि सबकी इंस्टॉलमेंट्स अलग अलग होती थी, कंपनीज एसएससी हैं उनके लिए अलग है, इंडिविजुअल्स के लिए अलग है,
अब सबके लिए वही इंस्टॉलमेंट्स हो गई हैं। अच्छा, एक जैसा हो गया है, एक यूनिफॉर्मिटी आ गई है उसमें। प्लस जो हमारे छोटे टैक्स पेयर जिनके लिए प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन है, उनके लिए सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट रह गई है, वो सिर्फ 15 मार्च को सिर्फ वन इंस्टॉलमेंट में अपना एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। वाओ, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। क्योंकि रानी जी ये कहना चाह रही हैं, मान लीजिए किसी की 2 करोड़ की टर्नओवर है जी, और वो 8% दिखाता है, मतलब 16 लाख की अगर वो इनकम दिखा दे जी, और 16 लाख की इनकम पे टैक्स दे दे, तो खत्म, उसको फिर कुछ मेंटेन नहीं करना। बिल्कुल। और ये टैक्स भी उसे 15 मार्च को डिसाइड करना है कि मेरी टर्नओवर कितनी आ रही है, उसका कैलकुलेटर से कैलकुलेट करे कितनी परसेंट हुआ, तो वो इजी हो गया। और डायरेक्ट टैक्सेस में अब की बार प्रोफेशनल्स को भी लेके आए हैं। प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन पहले प्रोफेशनल्स के लिए नहीं था। अच्छा। लेकिन अब की बार प्रोफेशनल्स के लिए भी आ गया है। जिन प्रोफेशनल्स की इनकम पूरे साल की 50 लाख तक है, नाउ दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमें फायदा है। Yes. चलिए, ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे और आपको ये बताएंगे कि इस बजट में आपके घर के लिए, आपके सपनों के घर के लिए, आपके घर औंधे के लिए क्या कुछ खास है। स्टे ट्यून्ड। हां जी बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मामा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। भारत का विकास लाखों MSMEs की कामयाब कहानियों से जुड़ा है, क्योंकि हर MSME के पास होता है बिजनेस करने का इनोवेटिव आइडिया। और अगर आप भी कर रहे हैं अपने बिजनेस में कुछ अलग या नया, तो आइए और बनिए हमारे मेहमान ओनली ऑन बिग बिजनेस आइडियाज। राइट अस ऑन info@bigbusinessideas.in। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि आपके सपनों के घर के बारे में कुछ खास है जो आपको बताएंगे, तो सर देख लेते हैं कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने क्या कुछ खास कहा है सपनों के घर के बारे में। द प्रधानमंत्री आवास योजना embodies the assurance of the government to address the housing needs of all and more specifically the poor in a time-bound manner. Construction of housing creates considerable employment opportunities as well. In order to fuel activity in the housing sector, I propose to give 100% deduction for profits to an undertaking from a housing project for flats up to 30 square meters in the 4 metro cities and 60 square meters in other cities. तो सर, हाउसिंग इंडस्ट्री को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी बात अभी कर रहे थे अरुण जेटली साहब, इससे आपको लगता है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है ये और सुदृढ़ हो सकती है? बिल्कुल होगी, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर से लगभग 125 तरह की इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं। जैसे हाउसिंग सेक्टर आगे बढ़ता है, वो सारी इंडस्ट्री आगे बढ़ती हैं, उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं, लोग नए कारखाने खोलते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, हमारे देश के 95% लोग जी इस सपने के साथ जीते हैं कि हमारा घर में अपना मकान हो। बिल्कुल, अपने मकान में रहना चाहते हैं वो। किराए के मकान में कोई नहीं रहना चाहता। बिल्कुल। और वो उस सपने को पूरा करते करते उनकी पूरी लाइफ बीत जाती है। जब वो 60 साल के होते हैं तब उन्हें लगता है कि अब मैं खरीद सकता हूँ, शायद रिटायरमेंट के पैसे से, शायद सब नहीं खरीद पाते। तो उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि यदि वो सपना आदमी का पूरा हो जाता है कि मेरा अपना मकान है, तो उसकी टोटल तवज्जो फिर काम की तरफ चली जाती है। तो वो सपना पूरा करने के लिए ये स्कीम आई है, जो कि बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें एक छोटा मकान हर व्यक्ति को जरूर मिलेगा, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर व्यक्ति को मकान हो 2022 तक, वो इसी स्कीम के माध्यम से पूरा हो सकता है। हाउसिंग को जो बढ़ावा दिया गया है, वो 60 मीटर तक के जो प्लॉट, जो मकान है, जो छोटे लोग हैं, जो जिनकी आमदनी कम है, जो वो ले सकते हैं, उसके ऊपर सर्विस टैक्स एग्जम्पशन दी गई है। और अच्छा। उससे भी ज्यादा मैं कहूंगा कि जो स्लम में लोग रहते हैं, ये एक सर्विस टैक्स में छूट दी गई है कि अगर आप स्लम को रीडेवलप करके वहां मकान बना के उन्हीं को देते हो, उसी में अगर रहते हैं तो उसके ऊपर भी सर्विस टैक्स है। तो सबसे निचला तबका जो हमारा देश का है, जो आज स्लम में रहता है, उसको भी मकान देने की कोशिश इस बजट में की गई जी। रानी जी, मैं घर लेना चाहती हूँ, अब ले सकती हूँ?
बिल्कुल ले सकते हैं। इसके लिए डायरेक्ट टैक्स में हमारे एफएम साहब ने एक मतलब जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा डिडक्शन उन्होंने दी है। अच्छा। मतलब आपको एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिलेगी इफ़ यू आर ए फर्स्ट टाइम होम बायर और आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं जी। तो उसकी आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन है जी। तो इसका मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अपना घर लेना चाहता है तो उस सपने को साकार करने का जो रास्ता आया वो बहुत लंबा नहीं रह गया। कुछ और भी कहा है अरुण जेटली साहब ने, दिखाना चाहेंगे आपको। Special focus has been given to ensure adequate and timely flow of credit to the farmers against the target of 8.5 lakh crores in 2015-16. The target of agricultural credit in 16-17 will be an all-time high of rupees 9 lakh crores. तो सुनील जी क्या लगता है, क्या अब किसानों को राहत की सांस मिल सकती है? 9 लाख करोड़ किसानों के लिए रखे हैं कर्जा देने के लिए। इसके अलावा इस बजट में 36,000 करोड़ रुपया किसानों के फार्मर्स के वेलफेयर के लिए भी रखा गया। वो इसीलिए जरूरी था क्योंकि हमें जो हमारे फार्मर हैं उनकी इनकम को डबल करना है। उसके साथ ही साथ जो बीपीएल के नीचे हैं उन सबको गैस के एलपीजी के कनेक्शन दिए जाएंगे डायरेक्टली महिलाओं के नाम से। उनके लिए एक बहुत ही खास स्टेप है जो लिया गया। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, जल्द मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। क्या नाम है बेटे आपका? गोयल। बेटे मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ, ये लो। मेरी मम्मी ने मना किया है किसी से कुछ नहीं लेना। बेटे के मासूम बचपन पर किसी की बुरी नजर ना पड़ने दें। आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? Yes, I'm on fire. आज मैं अगर इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहूँ तो मैं बन सकती हूँ। मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहूँ तो बन सकती हूँ। बस गुड टेस्ट होना चाहिए। यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन? आई एम हार्डकोर और मैं आ रही हूँ ओनली ऑन बिग बिजनेस आइडियाज। वेलकम आफ्टर द ब्रेक। सर सर्विस टैक्स 15% तक हो गया है। उम्मीद 16 की थी। क्या कहना है आपका इसके बारे? देखिए 16 की जो उम्मीद थी हम ये समझते हैं और सरकार कह भी चुकी है कि हम जीएसटी की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे पिछले दिनों आंकड़े आए थे कि जीएसटी का रेट 16 और 18 के बीच में कहीं ना कहीं रहेगा। अभी तक जो गुड्स है गुड्स के ऊपर एक्साइज लगती है से वैट लगता है वो मिला के 16% से बहुत ज़्यादा हो जाता है। सर्विस टैक्स पर पहले रेट कम लगा करता था। जब गुड्स और सर्विसेज पर एक ही रेट लगेगा जीएसटी पर तो वो रेट सीधा सर्विसेज से 12% से एकदम से 16% होगा तो बहुत बड़ा हिट महसूस होगा। इसलिए सरकार जीएसटी की तरफ जाने के लिए इसको धीरे धीरे बढ़ा रही थी और इसी परिपेक्ष में हमें उम्मीद थी कि ये 16% हो जाएगा जी। लेकिन सरकार ने को देखा कि अभी जीएसटी पर आम सहमति नहीं बनी तो उन्होंने इसको 16 नहीं ले गए 15% की 15 कर दिया। परंतु मैं ये कहूँगा 0.5% सर्विस टैक्स जरूर बढ़ा है लेकिन वो किस लिए बढ़ा है? किसान के लिए बढ़ा है। हमारी इतनी बड़ी आबादी 65% आबादी जो है वो कृषि पर है और उसका इकोनॉमी में जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, उसको भी बढ़ाने की जरूरत है। तो ये सारा काम जब तक हमारा जो किसान है मैं तो कहूंगा वो हमारा अन्नदाता है, जब तक हम उसे सशक्त नहीं करेंगे भारत सशक्त नहीं हो सकता जी। रानी जी आपसे जानना चाहूंगी बिकॉज आप जिस टैक्सेशन को देखती हैं वो टैक्सेशन सीधा सीधा हर व्यक्ति को हिट करता है। डायरेक्ट टैक्स की हम बात कर रहे हैं बट लोग टैक्स डिपार्टमेंट से डरते हैं, एक टेरर है, क्यों है ऐसा और कैसे आपको लगता है कि इस बजट की वजह से वो दूर हो सकता है? कई बार होता है कि जैसे टैक्स असेसमेंट होता है हाँ। तो बहुत ज़्यादा हाई पिच असेसमेंट हो जाती है हाँ। और फिर उसके बाद पेनल्टीज एंड देन प्रोसिक्यूशन, तो ये सब इस टेरर की वजह है हाँ। तो इसमें किया गया है कि अगर सपोज आपका मतलब अनडिस्प्यूटेड डिमांड अगर आपकी रेज होती है तो फर्स्ट थिंग तो आपको 15% उसका डिमांड का पे करके आपको स्टे मिल जाएगा। अच्छा। जो कि पहले नहीं मिलता था, नहीं वो मिलता इतना इजीली नहीं मिलता था। प्लस कई बार होता है कि रिफंड आपका अटका हुआ है, मिल ही नहीं रहा है, आप हाई कोर्ट से अपील जीत गए, आईटीटी से अपील जीत गए हो लेकिन आपको रिफंड नहीं मिल रहा। अब प्रोविजन किया गया है
कि 90 डेज के बाद आपको अपील इफेक्ट में रिफंड नहीं मिलता तो आपको 6% की बजाय 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर मिलेगा. इसी तरह एक इम्यूनिटी स्कीम भी प्रपोज की गई है कि जब भी असेसमेंट होता है और असेसी की डिमांड अगर रेज होती है और वो एग्री भी करता है उस डिमांड से तो उस केस में उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करिए. वो अपने असेसिंग ऑफिसर को अप्लाई करेगा कि मैं आगे अपील में नहीं जाना चाहता और जो भी टैक्स और इंटरेस्ट होता है वो विद इन ड्यू डेट वो डिपॉजिट कर देता है. तो उसमें कोई भी पेनल्टी नहीं लगती, कोई भी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं होता. एंड इसी तरह प्लस पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के कई सारे प्रोविजंस हैं जो कि पहले जो हमारी पेनल्टी होती थी दैट वाज इक्वल टू 100% ऑफ द टैक्स और टू 300% ऑफ द टैक्स. अच्छा, जिसको कि अब रिड्यूस करके 50% टू 200% कर दिया गया है. तो सर आपको लगता है कि इससे वो जो एक टैक्स टेररिज्म है वो खत्म होने वाला है? हाँ, टैक्स टेररिज्म खत्म करने के लिए माननीय मंत्री महोदय अरुण जेटली जी ने पहले भी कहा करते थे कि टैक्स टेररिज्म है जी. वो खत्म करने की दिशा में 2-3 स्टेप उठाए गए हैं जी. पहला स्टेप है कि जब कोई भी रिवेन्यू ऑफिसर्स हमारे कई बार अति उत्साह में टारगेट पूरे करने में कोई हाई पिच असेसमेंट कर देते हैं. हाई पिच असेसमेंट का मतलब कि उस आदमी उस असेसी की उतनी हैसियत भी नहीं होती कि वो टैक्स उतना दे पाए जी. और उसे स्टे मिलता नहीं था तो उसके अकाउंट अटैच हो जाते थे जी, जी, जब तक वो अपील जीतता नहीं था. अपील जीतने में 2 साल 1 साल 4 साल लगते थे. तो उसके लिए उन्होंने बोल दिया कि 15% पे आपको स्टे देना ही होगा एओ को. और उसका अगर पूरा सर्कुलर मैंने पढ़ा तो उसमें 2 बातें और लिखी हैं कि यदि असेसी ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट से जीता हुआ है उस इशू पे तो 15% से कम पे भी आपको स्टे देना पड़ेगा. और इसके रिवर्स यदि रिवेन्यू जीता हुआ हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल से तो आप 15% से ज्यादा भी ले सकते हैं स्टे में, जो कि बिल्कुल रैशनल बात है. पहले मैक्सिमम पेनल्टी 300% थी, वो 200 पेनल्टी हो गई. इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके 100 रुपए उन्होंने पकड़ा, 30 तो आपसे टैक्स ले लिया जी, बाकी ब्याज ले लिया आपसे 10-12 रुपए, 40 रुपए हो गए. उसके बाद आपको 90 रुपए पेनल्टी लगा दी. तो इसका मतलब आपसे उन्होंने 100 रुपए जो आपने कमाए थे उसके बदले में मांग लिए 130 रुपए. आपके पास है ही 100 रुपए जो टोटल कमाए थे, तो 130 कहां से दोगे? उसे रैशनलाइज कर दिया है कि मैक्सिमम पेनल्टी अब 200% कर दी गई है जो कि 50 से शुरू होती है जी. तो अब हमें टैक्स डिपार्टमेंट से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. बिल्कुल ठीक बात है जी. जो हमारे उद्यमी हैं उनके लिए आपका बिजनेस मंत्र जी. मैं कहना चाहूंगा कि बचाया हुआ 1 पैसा जी कमाए हुए 2 पैसे के बराबर होता है. बिल्कुल सही बात है. और अब हम लोग आ गए हैं उस सेगमेंट में जो कि है शिल्पा भावना स्पेशल. तो आज इस सेगमेंट का नाम है अगर आप होते तो. पहले रानी जी आपसे शुरू करते हैं, अगर आप वित्त मंत्री होते तो आप डायरेक्ट टैक्सेस के लिए क्या करते? डायरेक्ट टैक्सेस में मैं कुछ और एक्सप्लोर करती कि कहाँ से मेरा रेवेन्यू कलेक्शन और हो सकता है और मेरा जो टैक्स बेस है वो इंक्रीज हो सकता है. मतलब टैक्स का बेस बाइडन होना चाहिए जो आज 4 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, कम से कम 10-12-15 करोड़ हों. कमल जी आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए क्या करते? अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं तो मेरे हाथ में ग्लोबल इकोनॉमी नहीं है, मेरे हाथ में इंडियन इकोनॉमी है. मैं इनडायरेक्ट टैक्स को बिल्कुल ऐसा स्ट्रीमलाइन करना चाहूंगा ताकि एक्सपोर्ट इतना स्मूथ हो जाए. जैसे कि आप अगले घर में या अगली मोहल्ले में किसी को माल भेज रहे हैं या दुनिया के किसी कोने में आप माल भेजना चाहते हैं अपना हिंदुस्तान का बना हुआ, वो उतना ही आसान होना चाहिए ताकि एक्सपोर्ट हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया हो. बहुत अच्छा जी. सुनील जी अगर आप वित्त मंत्री होते तो पूरे देश को आगे बढ़ाने का क्या बिजनेस प्लान होता? नहीं, देश के बजट में सबसे अच्छा प्लान यही है कि हमारे देश में कोई भूखा ना सोए, हमारे देश में सब आर्थिक रूप से संपन्न हो और हमारे देश में हर व्यक्ति के पास अपना एक मकान. बहुत खूबसूरत. और वैसे भी आप हमेशा बहुत अच्छे जवाब देते हैं, लेकिन गिफ्ट हम आपको नहीं देते, वो तो हमारे गेस्ट के लिए होते हैं. सो लेडीज फर्स्ट, रानी जी ये आपके लिए बिग बिजनेस आइडियाज की तरफ से थैंक यू सो मच. एंड कमल सर ये आपके लिए बिग बिजनेस आइडियाज की तरफ से थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. दोस्तों मिट्टी की एकता से बनती है ईंट, ईंट की एकता से बनती है दीवार, दीवार की एकता से बनता है घर. ये सभी बेजान चीजें हैं लेकिन एकता को समझती हैं. तो हम तो फिर भी इंसान हैं, तो क्यों ना अपने देश की एकता को अखंडता के साथ आगे लेकर जाएं. शिल्पा भावना को आज के लिए दीजिए इजाजत, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात. थैंक यू सो मच. जय हिंद. बिग बिजनेस आइडियाज़.